मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको एल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वस पीओएच का यूज करते हैं, इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो हैलोजेंस व्हेन ट्रीटेड विद इक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कली लाइक NaOH, KOH एंड ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, अगर हम हैलोजन का जो है इक्वस NaOH, इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताओ, एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्केन जो है आपका अल्कोहल में बदल जाएगा, एल्केन किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में, ठीक है। जैसे R सिंगल बॉन्ड X प्लस KOH, इन दोनों के रिएक्शन होगा। तो देखिए R जो है OH के साथ R जो है OH के साथ रिएक्ट करेगा, R का जो है बॉन्ड किसके साथ बनेगा, OH के साथ बनेगा, और X का जो है K के साथ बनेगा। तो क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड OH, OH प्लस KH, ठीक है। तो ये आपका एल्केन नाम हो गया, एल्केन नाम है। जैसे मानते हैं आपके पास CL3Cl, अगर इसको हम KOH से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, बताओ, इक्वस KOH, इक्वस KOH से रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, CH3OH और प्लस KCl, प्लस KCl। तो ये आपका क्या मेथेन आ गया, क्या है, मेथेन, ठीक है, मेथेन। तो जो एल्केन है इसमें एल्केन का होना मेथेन ना, उस मेथेन का क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया, करस्पॉन्डिंग एल्केन का क्या बन जाता है, एल्केनॉल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। व्हेन एल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद इक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर हम